अमित शाह जी ने दिल्ली के स्कूलों के बारे में और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में काफ़ी गलत सलत बोला है। हम हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं कि शिक्षा राजनीति का हिस्सा बननी चाहिए। वोट इस बात पे पड़ने चाहिए कि आपने स्कूल अच्छे कराए या नहीं कराए, आपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी की या नहीं की, इससे देश आगे बढ़ेगा। लेकिन स्कूलों के ऊपर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो माननीय गृह मंत्री ने बोला है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, स्कूल खराब हैं, ये है वो है, बच्चों की पढ़ाई खराब है, आज पूरी देश ने पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ हो रही है। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है इससे तो देश आगे बढ़ेगा ना। तो जब अगर अच्छा काम हो रहा है, कहीं पे भी अच्छा काम हो रहा है, चाहे कोई भी सरकार कर रही है, उसको इस तरह से गंदी राजनीति के बीच में लाना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आज अमित शाह जी को आमंत्रण देता हूँ कि आप समय बताइए, मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके मैं आता हूँ आपके पास, आपको लेके चलता हूँ, दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूँ। आप बताइए कौन से स्कूल में चलना चाहेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ और दिल्ली के स्कूल दिखाता हूँ। हम ये नहीं कर रहे सब कुछ अच्छा हो गया, हम ये नहीं कह रहे, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ है पिछले 5 साल के अंदर। 70 साल के अंदर जो गंद खिड़ा इन्होंने करा कर रखा था उसको साफ करने की कोशिश की है हम लोगों ने। स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत अच्छे हुए हैं। और ये हम लोगों ने नहीं किए। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, 16 लाख बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो रहे हैं। इन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज स्कूल अच्छे हो रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो 60-65 हजार टीचर्स काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये स्कूल अच्छे हो रहे हैं। जो प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं, उनका नतीजा है। मैं अमित शाह जी को कहना चाह रहा हूँ कि आपके इन बयानों की वजह से उन 16 लाख बच्चों का अपमान हुआ है, उन 65 हजार टीचर्स का अपमान हुआ है, उन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स का अपमान हुआ है। इन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स ने मेहनत की थी, इन बच्चों ने मेहनत की थी, तब दिल्ली के 12वीं क्लास के 96% नतीजे आए थे। आपको हमसे प्रॉब्लम है, आप हमें गाली दे लीजिए, केजरीवाल को गाली दे दीजिए, मनीष सिसोदिया को गाली दे लीजिए, आम आदमी पार्टी को गाली दे लीजिए, आपको जो करना है आप गाली दे लीजिए, दिल्ली के 16 लाख बच्चों की मेहनत और उनके पेरेंट्स की मेहनत को गाली मत दीजिए, हमारे टीचर्स की मेहनत को गाली मत दीजिए। 96% नतीजे जब आए थे हमारी 12वीं क्लास के बच्चों के, 96% बच्चे जब पास हुए थे, वो केजरीवाल ने मेहनत नहीं की थी, मनीष सिसोदिया ने मेहनत नहीं की थी, हमारे बच्चों ने मेहनत की थी, रात रात भर हमारे बच्चों के पेरेंट्स जागे थे अपने बच्चों के साथ, टीचर्स ने मेहनत की थी, प्रिंसिपल्स ने मेहनत की थी, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। हमारे स्कूलों में 320 से ज्यादा बच्चे जेई एंट्रेंस क्लियर किया है उन्होंने, इंजीनियर 400 से ज्यादा बच्चों ने इंजीनियरिंग का एग्जाम, आईआईटी का, मैं आईआईटी से हूं, आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया उन बच्चों ने। आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं होता, उन बच्चों की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो आप, उन बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो आप। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको अमित शाह जी, आपको क्या पता शिक्षा होती क्या है? इस शिक्षा को आप अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। आप लोगों की इतनी राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, एक स्कूल दिखा दीजिए जो आपने ठीक कराओ, पूरे देश के अंदर एक स्कूल दिखा दो जो आपने ठीक कराओ। और मैं आज आपको आमंत्रित कर रहा हूं, चलिए मेरे साथ सरकारी स्कूलों के अंदर चलिए। सुबह से शाम तक आप इतना नेगेटिविटी के बीच में जीते हैं, मैं आपको हमारे कॉन्फिडेंट बच्चों से मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। मैं आपको हमारे प्राउड पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, मैं अपने प्राउड टीचर्स से आपको मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देंगे, अच्छा लगेगा आपको। आइए हमारे साथ।
मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के जितने बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कल टीवी के ऊपर अपने गृहमंत्री का बयान सुना, अमित शाह जी का बयान सुना, अमित शाह जी कह रहे थे कि स्कूल ख़राब है, पढ़ाई ख़राब है, दिल्ली में पढ़ाई का बेड़ा गर्क किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपको कैसा लगा जब आपने अमित शाह जी का ये बयान सुना। मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि गृहमंत्री को आपकी मेहनत का इस तरह से मजाक उड़ाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी ठीक कर रहे हैं जब वो आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं? 5 साल के अंदर आपने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना अच्छा काम किया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को, पॉजिटिव राजनीति करिए, आइए पॉजिटिव राजनीति करते हैं, शिक्षा के ऊपर पॉजिटिव राजनीति करते हैं। आप यूपी के स्कूल अच्छे करिए, आप हरियाणा के स्कूल अच्छे करिए, और यूपी हरियाणा छोड़िए, आप एमसीडी के स्कूल अच्छे कर दीजिए, दिल्ली में एमसीडी आपके पास है, एमसीडी के स्कूल अच्छे कर दीजिए, और फिर आप आके कहिए चुनाव के अंदर कि केजरीवाल आओ मेरे एमसीडी के स्कूल देखो और अपने दिल्ली सरकार के स्कूल देखो। ये पॉजिटिव राजनीति है, आइए पॉजिटिव राजनीति करते हैं। इस तरह से बच्चों के, टीचर्स के और पेरेंट्स की मेहनत का मजाक उड़ाना जो 5 साल में उन्होंने अचीव किया है, ये सही नहीं है। देश के लिए अच्छी चीज़ हो रही है, इसमें सबको साथ मिल के काम करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल एमसीडी, 5 साल के एमसीडी, तो पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, आपने कभी एक स्कूल की सुध ली 15 साल? 5 साल के अंदर, चलो आप 5 साल से हो, 5 साल में आपने एक भी एमसीडी के स्कूल की सुध ली, तो फिर आपका शिक्षा में इंटरेस्ट ही क्या है? आप तो केवल चुनाव के अंदर गंदी राजनीति करने के लिए आ गए हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि स्कूलों पे राजनीति करिए, पर गंदी राजनीति मत करिए, अच्छी पॉजिटिव राजनीति करिए, जिससे देश का भी भला होगा, सबका भला होगा। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप हम स्कूलों की नेगेटिव राजनीति का जिक्र कर रहे हैं कि स्कूलों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया हमारे बच्चों का, 16 लाख बच्चों की मेहनत का मजाक उड़ाया है, उनके पेरेंट्स की मेहनत का मजाक उड़ाया है, टीचर्स का मजाक उड़ाया है, उनकी पूरी मेहनत को उन्होंने नकार दिया है। मैं उन बच्चों से आज पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है जब आप टीवी के ऊपर अपने गृहमंत्री को आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हुए देख रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है इस बारे में? ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी इस पे कर लें थोड़ा, फिर अलग भी कर लें, मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हो। स्कूलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? थोड़ा सा स्कूल की भी कर लेते हैं, फिर सीए एनआरसी भी कर लेंगे, वही पूछना है ना? हाँ, तो वो करते हैं अभी। थोड़ा स्कूल में भी इंटरेस्ट, स्कूल में भी इंटरेस्ट लीजिए, बच्चों की। गृहमंत्री जी का एक आपके लिए खुशखबरी है, आज हरशरण सिंह बल्ली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली के, और इनका पार्टी के अंदर स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं 93 से 98 तक, 4 बार विधायक रह चुके हैं हरिनगर से, तो हम इनका पार्टी में आज स्वागत करते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे साथ मुक्ता नागपाल जी हैं, ये निगम पार्षद 2012 में सुभाष नगर से थी, ये भी आज हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। दोनों का पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, मैं इनको पार्टी में शामिल करता हूँ। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। मनीष आ जाइए, थैंक यू। अच्छा चलो, अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? दिल्ली को अपनी माता मान के पूजने वाले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी, शिक्षा के अंदर जिन्होंने एक जादू करके दिखाया और हमारे बच्चों को
प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से ज़्यादा रिजल्ट भी निकाल के दिखाया और उसकी अहमियत भी बता दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सिसोदिया जी, मुक्ता नागपाल जी, जिससे मैं डरता हूँ, मेरी धर्मपत्नी, आज मन में एक खुशी है। खुशी है किस बात की कि 20-21 साल की उम्र से मैंने राजनीति शुरू की थी चंद्रशेखर जी के साथ और माननीय श्री किशोर जी के साथ। वो राजनीति थी जो वैल्यूज पे आधारित थी। उन्होंने मुझे 77 में पहला चुनाव लड़ाया, 18 साल की उम्र में कारपोरेटर बनाया, तब असेंबली नहीं होती थी। दिल्ली का पहला सिख मंत्री बनने का सौभाग्य मुझे मदन लाल खुराना जी ने दिया। 20 साल की लंबी उम्र मैंने असेंबली में गुजारी और आज मुझे मन में खुशी इस बात की है कि मुझे एक ऐसी शख्सियत ने अपने साथ काम करने का मौका दिया है जो दिल्ली को देश की सबसे बढ़िया राजधानी बनाने के अंदर विश्वास करता है और उसके लिए मेहनत कर रहा है। इस मेहनत के अंदर जो यज्ञ ये चला रहे हैं उसके अंदर एक छोटी सी होती मेरी डाल जाए, मैं ये सोचकर इनके साथ लगाऊं, कुछ कर सकूं, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इनको सफलता दे, ये भी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। पर कैसे भी हो सके, ये जो विकास की राजनीति, ये जो ईमानदारी की राजनीति और काम के ऊपर वोट मांगने की राजनीति केजरीवाल जी ने आरंभ की है, इसका एक हिस्सा बन सकूं, इसलिए मैं आज इनके साथ मिला हूं, इनको ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है और काफ़ी ज़्यादा गिनती में बाहर लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं और सारे के सारे पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं और सारे के सारे इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। अब अगर एक आध कोई क्वेश्चन है तो अरविंद जी, अभी पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि शाहीन बाग में असम को अलग करने की बात की जा रही थी, वो नारा लगाया जाता है कि देश से अलग किया जाए, क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी शाहीन बाग के साथ हैं, वहाँ जो लोग हैं उनके? मतलब अभी भी का मतलब हम दिल्ली के हर नागरिक के साथ हैं, हम दिल्ली के हर नागरिक का भला चाहते हैं, हम संगम विहार के साथ भी हैं, हम राजेंद्र नगर के साथ भी हैं, हम दिल्ली के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हम दिल्ली के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं, हम अच्छी सड़कें चाहते हैं, अच्छी बिजली चाहते हैं, अच्छा पानी चाहते हैं, देश की प्रगति उसी से होगी।